तो बिना दाल चावल भिगोए बिना मिक्सर में ग्राइंड किए आज हम बहुत ही हेल्दी और टेस्टी इंस्टेंट ढोकला बनाएंगे। तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ढोकला बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में हम एक कप जितनी सूजी ऐड कर देंगे। एक कप सूजी के सामने हाफ कप बेसन लेना है और इसी के साथ एक तिहाई कप चावल का आटा ऐड कर देंगे। तो ये मेज़रमेंट को थोड़ा सा प्रॉपर फॉलो करें। हाफ कप जितना हम खट्टा दही लेंगे। सभी को पहले हम अच्छे से मिला लेंगे, देन इसके बाद ज़रूरत के अनुसार हम पानी ऐड करते जाएंगे। तो खट्टे दही के साथ ढोकला जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो ज़रूरत के अनुसार हमें पानी ऐड करते जाना है और एक स्मूथ बैटर रेडी कर लेना है। अगर आप चाहे तो ये बैटर मिक्सर के बर्तन में भी बना सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी तरह से हम बॉल में ही रेडी कर लेंगे। तो सुबह सुबह नाश्ते में या फिर आपको डिनर में कुछ हल्का फुल्का हेल्दी टेस्टी खाने का मन करे तो एक बार ये रेसिपी ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। तो हमें इसे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फेंट लेना है और एक स्मूथ बैटर रेडी कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर कुल 1 कप के अराउंड पानी का इस्तेमाल किया है। हो सकता है आपको इसे थोड़ा सा कम पानी भी लगे या फिर इसे थोड़ा सा ज़्यादा पानी भी लगे। इसे कवर करके हम 30 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे। तो 30 मिनट के बाद चलिए अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। हाफ टी स्पून हींग ऐड कर लेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट ऐड कर लेंगे। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेना है। 1 टेबल स्पून तेल ऐड कर देंगे। तो तेल ऐड करने से ढोकले जो है वो ठंडे होने के बाद भी ऐसे ही सॉफ्ट बने रहेंगे। 1 टेबल स्पून नींबू का रस, 1 कप जितनी बारीक कटी हुई मेथी ऐड कर देंगे। तो मेथी के साथ ये ढोकले जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अभी तक इस तरह से ढोकले नहीं बनाए हैं तो एक बार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। मेथी की जगह आप पालक भी ले सकते हैं, मेथी और पालक दोनों आधी आधी मात्रा में भी ले सकते हैं। तो जिस थाली में हमें ढोकला स्टीम करना है वो थाली को हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। अगर आप बहुत ही खट्टे दही के साथ बैटर बना रहे हैं तो नींबू का रस नहीं ऐड करेंगे तो चलेगा। तो अब हम इस बैटर में 1 टीस्पून जितना इनो ऐड कर देंगे और सभी को अच्छे से मिला लेंगे। ज़रूरत लगे तो ही पानी का इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जितना पानी और ऐड किया है। तो इनो को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है बैटर के साथ। तो ये ढोकले के ऊपर हम कोई भी तड़का नहीं लगाएंगे, फिर भी ये ढोकला बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। तो बैटर को हम थाली में इस तरह से ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से हमें इसे थपथपा लेना है ताकि बैटर जो है वो सभी जगह इवन स्प्रेड हो जाए। अब हम इसके ऊपर लाल मिर्च पाउडर या फिर काली मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे। तो अब हम ये प्लेट को गरम स्टीमर में रख देंगे। तो हमें इसे तेज़ गैस की आंच पर 20 से 25 मिनट के लिए स्टीम कर लेना है या फिर चाकू की मदद से चेक कर लेना है, टूथपिक की मदद से। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। तो 30 मिनट के बाद हमारे ढोकले जो है वो अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो जब भी ये ढोकले गर्म हो इसके ऊपर तुरंत ही मूंगफली का तेल अप्लाई कर लें। तो तेल अप्लाई करने से ढोकले जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। और अब हम इसे गर्म गर्म सर्व कर देंगे। लाल लहसुन की चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो हमारे इंस्टेंट लाइव ढोकला जो है वो रेडी हो चुके हैं। जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।